रतलाम जिले के आलोट की कृषि उपज मंडी परिसर से एक व्यापारी की सोयाबीन चुराने के मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार मंडी व्यापारी का 70 से 80 किलो सोयाबीन दो वारदात कट्टों में चोर चुरा कर ले उड़े थे। इसके बाद चोर उस सोयाबीन को बेचने के लिए लेकर घूम रहे थे, तभी मंडी व्यापारी की नजर पड़ी और दोनों चोरों को मंडी ले जाकर व्यापारी ने सोयाबीन की जानकारी ली और जमकर पाइप से पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी का एक चोर को हिरासत में लिया और चोरी की धाराओं में मामला दर्ज किया। मामले में एसआई अशोक चौहान ने बताया कि योगेंद्र पिता कैलाश परमार निवासी ऊपरली टोली आलोट व कालू पिता कुशाल खारोल निवासी खारोल मोहल्ला कृषि उपज मंडी में अनाज चुरा रहे थे। उनसे 70 किलो सोयाबीन बरामद की गई है। फरियादी दीपक झंडी के आवेदन पर दोनों चोरी करने वाले आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया गया है। एक आरोपी कालू खारोल मौके से सोयाबीन का कट्टा छोड़कर भाग गया है। वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। सर, आलोट मंडी में एक वीडियो वायरल हो रहा है मंडी का, जिसको एक दो युवकों को दो युवक और बेरे में से पीट रहे हैं, सर क्या है? एक वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, उसको अभी जैसे संज्ञान में आया हुआ है। तत्काल जो लोकल थाना प्रभारी है उसको बताया गया है कि इसकी जो है वो वेरीफाई करवा ले और सही पाए जाने के ऊपर जो है वो यथोचित वैधानिक कार्यवाही भी करे। घटनाक्रम मेरे ख्याल से 1 तारीख को कुछ दो युवक जो है मंडी से कुछ सोयाबीन वगैरह चोरी कर रहे थे, तो उसी टाइम पे व्यापारियों ने उनको पकड़कर और जो वीडियो में दिख रहा है कि बेरहमी से मार रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो अभी सामने नहीं आ पाई थी। अगर ये वीडियो के थ्रू जो सामने आया हुआ है उसके ऊपर हम लोग वैधानिक कार्यवाही जो भी होगी वो करेंगे। सर, मारने वाले कौन है सर इस चीज़ की? अभी तक उनका नाम तो मुझे क्लियर नहीं है। मैंने थाना प्रभारी को बोला है क्लियर करने के लिए और प्रॉपर एक्शन लेने के लिए। Subscribe now to most exciting channel ever.